हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सलमान खान का घोड़ा बेचने का झांसा देकर बेवा से धोखाधड़ी। फिल्म अभिनेता सलमान का घोड़ा बेचने का झांसा देकर एक बेवा से धोखाधड़ी का मामला जोधपुर में सामने आया है। आरोपियों ने इस महिला से लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर ली। इस संबंध में महिला की तरफ से अदालत में इस्तगासा दायर किया गया। अदालत ने बासनी पुलिस को इस्तगासा के आधार पर मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। घाचियों के ठानी सांगरिया निवासी बेवा संतोष भाटी की ओर से अधिवक्ता प्रवीण दयाल दवे, शैलेंद्र सिंह चौहान और रुचि परिहार ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश महानगर मैजिस्ट्रेट संख्या 04 जोधपुर महानगर के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत किया। इसमें बताया कि संतोष भाटी पशुपालन दुग्ध उत्पादन का कार्य करती है। इसी सिलसिले में भैंसे खरीदने के लिए अक्सर अजमेर पुष्कर आती जाती रहती हैं। वहां पर करीब 2.5 वर्ष पूर्व उसका संपर्क राजप्रीत एवं प्रीत से हुआ। उन्होंने उसे 4 माह का सफेद रंग का घोड़े का बच्चा 70,000 रुपए में दिलवाया था। इसके बाद आपस में बातचीत होने लग गई। इसी साल जनवरी उन्होंने 4 भैंसे भी दिलवाए। इसके बाद जून में राजप्रीत उर्फ राजविंदर सिंह, प्रीत, राहुल आदि ने उसे सलमान खान के फार्म हाउस का एक घोड़ा बेचने का झांसा दिया और उससे 1 लाख रुपए नगद एवं 11,60,000 रुपए का चेक ले लिया। जब उसे ज्ञात हुआ कि सलमान खान के घोड़े को लाखों में बेचने का लालच देकर उसके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, तब उसने चेक लौटाने को कहा, लेकिन निर्भय सिंह, राजप्रीत व अन्य ने चेक व राशि नहीं लौटाई। इस पर संतोष भाटी द्वारा बैंक में स्टॉप पेमेंट करने के दौरान निर्भय सिंह ने बैंक में चेक प्रस्तुत कर अनादरित करवा दिया और लगातार उसको डराया धमकाया गया। इसमें संतोष भाटी ने न्यायालय में ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी, अमानत में कख्यात, जान से मारने की धमकी सहित षड्यंत्र रचने का परिवाद प्रस्तुत किया है, जिसे थाना भेजकर अभियुक्त निर्भय सिंह, राजप्रीत उर्फ राजविंदर सिंह, प्रीत, राहुल व सरदार सहित अन्य के विरोध अनुसंधान कर कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं। विडो लेडी है संतोष भाटी, जो सांगरिया रहती है और पशुपालन का काम करती है। ये तकरीबन 2.5 साल पहले है जो भैंसे खरीदने के लिए पुष्कर मेले गई थी, तो वहां से 1-4 माह का घोड़ा खरीद के लेके आई थी। वहां पे क्या है, इसका कांटेक्ट राहुल और प्रीत से हुआ था, तो वो कांटेक्ट इनके बीच में चल रहा था। अभी जनवरी के अंदर इन लोगों के बीच में बातचीत हुई थी, उन्होंने बोला कि आप बठिंडा है, आप चाहो तो बठिंडा में अभी भैंसे बिकने आई हुई है, मेला लगा हुआ था, आप आ सकते हो। तो ये अपनी फैमिली के साथ वहां बठिंडा गई और वहां से भैंसे खरीद के लेके आई। तो भैंसे खरीद के लेके आने के बाद में वो लोग वहां से यहाँ आए, राहुल और प्रीत और उसके दोस्त, तो उन्होंने कहा वो घोड़ा है वो हमारे को भेजो तो हम ले लेंगे। तो उसने कहा मैं फैमिली से पूछ के आपको बताऊंगी। तो उन्होंने कहा हमारे को अगर आप कमीशन दो तो हम अच्छा आपको अमाउंट दिलवाएंगे। तो परिवार दिया का ऑफर 13 लाख का था, बट उन्होंने कहा हम 20 लाख दिलवा देंगे, हमारे को अच्छा कमीशन दे देना। तो एक सरदार को इन्होंने घोड़ा दिखा के बात की, तो उसने 19 लाख में घोड़ा लेना तय किया। सरदार ने यह भी बोला कि भाई मेरे को 5 घोड़े और खरीदने हैं, तो उसने फोटो दिखाई, ये घोड़े हैं, इस तरह के घोड़े मेरे को चाहिए। तो परिवार ने कहा मेरे पास नहीं है। तो ये राहुल और इन्होंने कहा आप मतलब आप निश्चिंत रहो हम दिलवा देंगे, किसके पास घोड़े हैं हमें पता है। तो उन्होंने कहा निर्भय सिंह है हमारे मिलने वाला है, वो सलमान के फार्म हाउस पर आता जाता रहता है, सलमान के और उसके बीच में मित्रता है, वो उनको घोड़े बेचता भी है, खरीदता भी है, अभी भी वो सलमान के वहां से घोड़ा लेके है, वो पंजाब आ रहा है। तो उससे बात करी, तो उससे बात करी तो उसने कहा हाँ मैं, आप मेरे से घोड़ा देख सकते हो, पर मैं नागौर मिलूंगा। उसने नागौर एक ढाबे के ऊपर इनको बुलाया, ये लोग वहां मिलने गए, तो उसने 13 लाख में अपना घोड़ा बेचना जाहिर किया। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।